आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों स्किन से रिलेटेड, यदि आपको समस्या है या फिर आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज हो रही हो, इन दोनों के लिए सिर्फ एक दवा लिक्विड पैराफिन ही ठीक कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इस दवा को आप स्किन पर भी लगा सकते हो और इस दवा को आप पी भी सकते हो। ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, पर डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि स्किन में किस किस समस्याओं में इसका प्रयोग लेते हैं, कौन कौन इसका प्रयोग ले सकते हैं, कब्ज में इसकी कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है, और ये लिक्विड पैराफिन आखिर है क्या, क्या ये नुकसान करती है या फिर फ़ायदा ही करती है। तो ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट CN गजबीय स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल CN गजबीय में। लिक्विड पैराफिन एक गाढ़ा तरल है जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोक्सी कार्बन का एक मिश्रण है, जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का ही मिश्रण है। लिक्विड पैराफिन की जब शुरुआती तौर पर उत्पत्ति हुई थी, उस समय इस लिक्विड पैराफिन का उपयोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए उपयोग में लिया गया था। लगभग दोस्तों 1900 में कब्ज को तोड़ने के लिए लिक्विड पैराफिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया गया था। जब लिक्विड पैराफिन को पिया जाता है तो इंटेस्टाइन में जाकर यह जो स्टूल होती है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है, जो कि स्टूल के चारों ओर एक लेयर बना देता है जिससे कि स्टूल पास आउट होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। यह लिक्विड पैराफिन जो है दोस्तों वह क्रोनिक, और जो लिक्विड पैराफिन का जो रिजल्ट है दोस्तों वह सीवियर और जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लिक्विड पैराफिन जो होता है चिकनाई युक्त तो होता है, तो इसका उपयोग क्या है दोस्तों, स्किन की डिजीज़ में भी लिया जाता है। जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वो लिक्विड पैराफिन का उपयोग स्किन की बीमारियां होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिक्विड पैराफिन जो है दोस्तों सिंगल साल्ट और मिक्सर में अवेलेबल है, सिंगल साल्ट और डबल साल्ट में भी अवेलेबल है लिक्विड पैराफिन। यह सिंगल साल्ट में आता है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस प्रकार की बॉटल होती है, सिंगल साल्ट जो पैराफिन लिक्विड पैराफिन होता है इस प्रकार की बॉटल होती है। लिक्विड पैराफिन का उपयोग दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने और स्किन की प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करने के लिए लिक्विड पैराफिन का उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं। जब यह सस्पेंशन फॉर्म में आता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो स्किन पर यह क्रेमाफिन के नाम से मिल जाता है। तो सस्पेंशन फॉर्म में इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है, और यदि यह कॉम्बिनेशन में आएगा कैलामिन के साथ में तो इसका उपयोग स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह सिंगल साल्ट में होता है तो इसका उपयोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, और यह कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है तो इसका उपयोग स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम और अन्य प्रॉब्लम को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि स्किन की प्रॉब्लम में किस किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है तो उस समय उसका प्रयोग ले सकते हैं, इचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, एक्जिमा हो गया हो, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की स्किन से पपड़ी उतर रही हो, स्किन क्रैक हो गई हो, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को केमिकल के कारण स्किन में खुश्की हो गई हो तो उस समय भी लिक्विड पैराफिन का उपयोग किया जाता है। किसी की स्किन क्या है दोस्तों ड्राई हो जाती है तो लिक्विड पैराफिन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो लिक्विड पैराफिन है उसका उपयोग कब्ज को ठीक करने और स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात आती है दोस्तों कि लिक्विड पैराफिन का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं, तो बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसका किस प्रकार से स्किन पर उपयोग किया जाता है, तो स्किन को सबसे पहले क्लीन कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद लिक्विड पैराफिन को अपनी हथेली में लेकर उस अफेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए जिससे एक पतली लेयर कोटिंग चढ़ जाती है। जब कोटिंग लगेगी आपके स्किन पर तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा चिकनाई, बहुत ज़्यादा जो है स्किन पर बहुत ज़्यादा चिकनाईपन महसूस होगा, थोड़ा गर्म सा महसूस होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कुछ देर में स्किन के द्वारा खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप इसको स्किन पर लगाते हैं तो कम से कम इसका प्रयोग 10 करना होता है। साथ ही दोस्तों यदि आप कोई स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में इस लिक्विड पैराफिन का उपयोग करना है जब तक आप स्टेरॉइड क्रीम को लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब्ज में किस प्रकार इसको लिया जाता है, तो 15-30 ml इसको नाइट में सोते समय लेना है इसको। यदि दोस्तों किसी को कब्ज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के द्वारा दिन में इसे 3 बार लेने की सलाह दी जाती है।
इसे सामान्यतः दोस्तों 3 दिन से लेकर 5 दिन के अंतराल में लिया जाता है, मतलब 3 दिन से लेकर 5 दिन इसका कंटिन्यू उपयोग किया जाता है। कितनी भी पुरानी कब्ज हो, कितनी भी पुरानी एसिडिटी आपको बनी है, कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन आपको हो, यह लिक्विड पैराफिन अपना रोल निभाता है। लिक्विड पैराफिन लेने के बाद दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जिनको हम जान लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों तो यह लिक्विड के फॉर्म होता है, गाढ़ा होता है, तेली होता है, तो इसको जब आप लोगे तो क्या होता है दोस्तों कि आपको टेस्ट इसका अनप्लीसेंट लगेगा और आपको पीने में यह थोड़ा सा अटपटा लगेगा। पहला डिसएडवांटेज यह है दोस्तों इसका, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि लिक्विड पैराफिन लेने के बाद जब ये लिक्विड पैराफिन जो है इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में जो विटामिन्स होते हैं वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, ये डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के जो डिसएडवांटेज हैं इनसे आप एक ही प्रकार से बच सकते हैं, मतलब लिक्विड पैराफिन जो है दोस्तों उसका आपको कम मात्रा में उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, यदि लिक्विड पैराफिन का उपयोग दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि यह आपके एनस जो होता है, गुदा द्वार होता है, वहाँ पे लीकेज हो, आपके कपड़े गंदे भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि लिक्विड पैराफिन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो लिक्विड पैराफिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर इसमें कहना चाहिए कि थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट होता है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उसमें। जब आप लिक्विड पैराफिन को पियोगे तो हो सकता है इसके प्लेसेंट जो टेस्ट होता है उसके कारण आपको नीजिया वोमिटिंग जैसा लग सकता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड पैराफिन का साइड इफ़ेक्ट स्किन पर हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, आपको खुजली हो सकती है, एंटी एलर्जिक हो सकती है या फिर स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों लिक्विड पैराफिन के बारे में सारी जानकारी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।